Example 5. Solve the mixed integer linear programming. Maximum of z is equal to x1 plus x2. Subject 2 to x1 plus 5x2 less than equal to 16. 6x1 plus 5x2 less than equal to 30. x1 x2 are greater than equal to 0 और x1 is integer. तो हमारा main target क्या होगा? x1 को integer बनाना है हमने. z maximum is equal to x1 plus x2 plus 0x3 plus 0x4 less than 0 less than equal to को हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे slack variables add कर दिए x3 और x4 x3 x4 हमारे क्या हैं slack variables x1 x2 x3 x4 greater than equal to 0 जो हमारा x1 है वो क्या है integer therefore j1 is equal to 1 which is integer J2 is equal to 2, 3, 4, which are not integers. Now, यहाँ पे क्या है? The associative LPP is maximum of Z is equal to X1 plus X2, 2X1 plus 5X2 plus X3 is equal to 16, 6X1 plus 5X2 plus X4 is equal to 30, X1, X2, X3, X4 greater than equal to 0. From example 2, we get the optimal is, ये हमारी example 2 है जो हमने पिछले lectures में की थी. इसमें हमने optimal solution find out किया था. ये हमारा first table, ये second table और last table क्या था जिसमें हमारा optimal is declared हुआ था. अगर आपको वो example आती है, example 5, तो आपने पहले ये 3 tables बनाने हैं. So हमने यहाँ से last table उठा लिया. और यहाँ पे गलत दे रखा है यहाँ पे 1 1 आएगा because x2 और x1 का coefficient क्या है 1 1 तो आपने यहाँ पे ठीक कर लेना है so हमने example 2 का last table यहाँ से ले लिया now हमारा target क्या था x1 को integer बनाना है but यहाँ पे क्या है this is not integer तो हमने ये formula use कर लिया और x1 कौन सी row है second row so I is equal to 2 now x1 is equal to 7/2, 3 + 1/2 means कि f note की value क्या आ गई 1/2 और non basic क्या है हमारे 3, 4 f is equal to 3, 4 f1 की value क्या आएगी 4 जो हमारा greater है greater कौन सा है 1/4 यहाँ पे आ गया 4 और f2 की value क्या आएगी 3 because जो negative है जैसे हमने example 4 में किया एग्जाम्पल 4 में कैसे लिखते थे हम नॉन बेसिक वेरिएबल विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर और वाई आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और f2 क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए h क्या होना चाहिए नॉन बेसिक वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर सो f2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 और h की वैल्यू 5 यहाँ पे हमने पुट कर दी सभी की वैल्यूज नाउ इसको सॉल्व किया हमने सो माइनस को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड किया माइनस को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज इस क्वेश्चन में हमने ओनली स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो हमने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके उसको लेस देन इक्वल टू में बना देना है और लेस देन इक्वल टू बनाने के बाद यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड कर देना है एडिंग द न्यू कंस्ट्रेंट टू द ऑप्टिमल टेबल तो हमने न्यू कंस्ट्रेंट को ऐड कर दिया 0x5 इस टेबल में जो लास्ट टेबल है -1/2 0 0 -1/4 -1/4 x5 का कोफिशिएंट 1 बट इस क्वेश्चन में क्या है हमारी फिजिबिलिटी क्या हो रही है डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ गया तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड सो x5 लीव्स द टेबल और x3 एंटर्स द टेबल और यहाँ पे क्या बनाना है 0 0 1 सो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे r1 -6/5 r3 r2 पे r2 -r3 और r3 पे -4 r3 यहाँ पे आपको ये आप दोनों को ये आपको पता चल जाएगा इस पे कौन से ऑपरेशन लगाने हैं बट यहाँ पे आपको नहीं पता चलता तो आपने क्या करना है 3/10 और इसका रेसिप्रोकल कर देना है 4/1 तो इसको सॉल्व करके देखो
टू फाइव मीन्स की थ्री टू ज सिक्स अपॉन फाइव. तो हम क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, आर वन यहां पे प्लस आएगा. प्लस सिक्स अपॉन फाइव आर थ्री. सिक्स अपॉन फाइव कैसे आया, थ्री बाय टेन को इसके साथ रेसिप्रोकल कर दिया, फोर बाय वन. तो कितना आ जाएगा, सिक्स बाय फाइव. और ये तो हमें पता ही चल रहा है, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा वन आ जाएगा. एज जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, सो ऑप्टिमेलिटी इज डिक्लेयर और एक्स वन इज ऑल्सो इंटीजर बन गया. और एक्स टू का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, अगर चे इंटीजर आ जाए चे नॉन इंटीजर आ जाए. सो एक्स वन इज इक्वल टू फोर, एक्स टू इज इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव, जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू सिक्स बाय फाइव मल्टीप्लाई वन इज सिक्स बाय फाइव, प्लस फोर इंटू वन इज फोर. तो इसको सोल्व किया, फाइव सिक्स प्लस फाइव फोर ज ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस सिक्स इज ट्वेंटी सिक्स बाय फाइव हमारा रिक्वायर्ड आंसर.